हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम मध्य प्रदेश के एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं जो कि मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटन नगरी है। इसके साथ ही इस जिले का नाम भगवान शिव के नाम पर पड़ा है। अब तो आप समझ ही गए होंगे हम बात कर रहे हैं शिवपुरी जिले की। डियर व्यूअर्स, इससे पहले कि आप वीडियो में पूरी तरह से खो जाएं, एक जरूरी सूचना, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज का इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और नॉलेजफुल वीडियो। जिला शिवपुरी, गठन 1956, तहसील शिवपुरी, कोलारस, नरवर, बदरवास, बैराड, करेरा, खनिया थाना, पिछोर। पड़ोसी जिलों की बात की जाए तो मुरैना, ग्वालियर, दतिया, गुना और अशोकनगर शामिल है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के झांसी से ये अपनी सीमा साझा करता है। जनसंख्या की बात की जाए तो 17,25,782 कुल यहाँ की जनसंख्या है। वही साक्षरता की बात की जाए तो 64.43% है। ग्वालियर संभाग के अंतर्गत शामिल शिवपुरी जिले का मुख्यालय शिवपुरी शहर में स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग NH3 पर स्थित शिवपुरी मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल में तीसरा बड़ा जिला है। शिवपुरी का प्राचीन नाम सिपरी था। शिवपुरी शहर को भगवान शिव की नगरी भी कहा जाता है। वर्ष 1804 में इस शहर को कछुआ राजपूतों का स्वर्ग कहा जाता था। शिवपुरी ग्वालियर के सिंधिया वंश की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। शिवपुरी जिले को मिनी शिमला भी कहा जाता है। शिवपुरी को मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटन नगरी होने का गौरव प्राप्त है। शिवपुरी में स्थित माधव राष्ट्रीय उद्यान एक पहाड़ी पर जॉर्ज कौशल भवन स्थित है। शिवपुरी में प्राकृतिक कुंड भदैया कुंड स्थित है। फैक्ट की बात करें तो 1857 की क्रांति के नायक तात्या टोपे को 18 अप्रैल 1859 को फांसी शिवपुरी में दी गई थी। तात्या टोपे की समाधि शिवपुरी जादव सागर के निकट है। महारानी संख्या राजे सिंधिया की समाधि शिवपुरी में संख्या सागर के निकट स्थित है। माधवराव सिंधिया की समाधि भी संख्या सागर के पास ही है। शिवपुरी तीर्थांकर प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध है। शिवपुरी में पार्वती, वेतवास, सिंध तथा कूनो नदियां बहती हैं। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की जाए तो 10,666 वर्ग किलोमीटर में ये फैला जिला है जो कि तीसरा बड़ा जिला है। शिवपुरी जिला उत्तर में मुरैना, ग्वालियर और दतिया जिलों के साथ, पूर्व में उत्तर प्रदेश के झांसी के साथ और पश्चिम में राजस्थान तथा दक्षिण में गुना और अशोकनगर जिलों के साथ सीमा बनाता है। अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो यहाँ पर माधव राष्ट्रीय उद्यान करेरा वन्य जीव अभयारण्य है। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के सबसे पुराने राष्ट्रीय उद्यानों में दूसरा स्थान शामिल है। पहले कान्हा किसलिए आता है। माधव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1958 में की गई। माधव नेशनल पार्क राष्ट्रीय राजमार्ग NH3 में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 375.230 वर्ग किलोमीटर है। करेरा वन्य जीव अभयारण्य मध्य प्रदेश की शिवपुरी जिले में करेरा वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना 1981 में की गई थी। अगर यहाँ के उद्योग की बात की जाए तो सीसा और डायस्पोर की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है। इसके साथ ही यहाँ पर लकड़ी से कत्था बनने का कारखाना भी है। और शिवपुरी जिले में सबसे ज्यादा मात्रा में सहरिया जनजाति पाई जाती है जो कि मध्य प्रदेश की पांचवी बड़ी जनजाति है। बात कर लेते हैं यहाँ के मेलों की। सिद्धेश्वर बाणगंगा मेला शिवपुरी शहर के पूर्व में जादव सागर झील के निकट प्राचीन सिद्धेश्वर बाणगंगा शिव मंदिर स्थित है। सिद्धेश्वर बाणगंगा मंदिर 52 पवित्र कुंडों के लिए प्रसिद्ध है। पीर बुधान का मेला शिवपुरी जिले में सांवरा क्षेत्र में यह मेला अगस्त सितंबर के टाइम में लगता है। अब बात कर लेते हैं प्रमुख पर्यटन स्थल के बारे में। यहाँ पर माधव राष्ट्रीय उद्यान, करेरा वन्य जीव अभयारण्य, नरवर का किला, जॉर्ज कैसल भवन, माधव विलास पैलेस, बाणगंगा धाम, मोहिनीश्वर धाम, चिंताहरण मंदिर, शिव मंदिर, जानकी मंदिर, लोड़ी माता मंदिर, सुरवाया गढ़ी और संख्या सागर है। फैक्ट की बात तो ये भी है कि शिवपुरी में प्रादेशिक वन स्कूल है। शिवपुरी में ही आतंक विरोध प्रशिक्षण स्कूल भी स्थित है और यहीं पर यूरेनियम के भंडार सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। बाणगंगा अर्जुन एवं भीम पितामह से संबंधित महाभारत कालीन स्थल है। इसके साथ ही फ्लैग स्टोन भी यहीं पर है। शिवपुरी जिला राजस्थान और उत्तर प्रदेश से सीमा स्पर्श करता है।
सो डियर व्यूअर्स, इस वीडियो के माध्यम से मैंने शिवपुरी जिले से जुड़े महत्वपूर्ण फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन को कवर करने की कोशिश की है। वीडियो का कौन सा पार्ट आपको ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही ये भी बताइएगा कि आप देश के किस जिले या किस शहर से वीडियो को देख रहे हैं। अगर आपको भी आपके शहर या प्रदेश का वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जितना हो सके इसको अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कीजिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें।